गुजराती स्टाइल यानी सीधा पल्लू में साड़ी पहनना काफी पॉपुलर है और इसमें कितने वेरिएशंस हो सकते हैं ये बताने के लिए भला कल्पना जी से बेहतर कौन हो सकता है जो कि खुद एक गुजराती हैं। कल्पना जी प्लीज बताइए। थैंक यू। Use थोड़ा fingertips का ही use करें कभी-कभी सब हाथ use करते हैं तो ये बराबर नहीं है आप खाली fingertips से आपकी साड़ी अंदर डाल सकते हैं फिर तो साइड विल बी टॉकिंग क्रीज रहेगी और ये क्या है अच्छे से जा सकता है अंदर लिफ्ट द कॉर्नर टेक वन राउंड उसके बाद टेक वन आर्म लेंथ सी हाउ आई एम टेकिंग एंड देन लीव इट ओके Then again, second round without tucking. Then take out the pallu. Pallu में आप आधा इंच छोड़ के प्लीज बना सकते हैं ये इतना छोड़ के बना सकते हैं क्योंकि कभी कभी है ना अपन ये नहीं छोड़ते हैं तो ये प्लीज बाहर आ जाती है सो बेटर इफ यू लीव लीव द प्लीज छोड़ने के बाद फिर प्लीज बनाना है सी आई गॉट इतना प्लीज आई हैव वन 2, 3, 4, 5 and this is half. I left 1 inch and then I'm clipping. मैं clip लगा रही हूँ. 2, 3, 4 and 5. Again, I'm holding nicely. And then again I'm tucking and I'm putting it on my left shoulder. Again I'm continuing this pleat 1. This is 2, 3, 4, 5 and this is half. This silk is a little difficult, south silk. अच्छी जो heavy sarees होती हैं, pleats थोड़ा सा मुश्किल होता है. मुश्किल होता है, तो ये आसान तरीका ये है कि आप clip लगा दो. इसमें कितनी length लेनी है, क्या कुछ इतना मैं बताती हूँ आपको. इसका है, just to set the pleat. मैंने ये पल्लू क्लिप करके टच द ग्राउंड बनाया है ये प्रोसेस जरा डिफिकल्ट है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ पहले हमने साड़ी का एक राउंड लिया टकिंग करके उसके बाद एक हाथ बराबर साड़ी छोड़ी उसके बाद फिर आधा टकिंग करके हमने पांच प्लीट्स बनाई उन प्लीट्स को पिन लगाने के बाद हमने वी मेक श्योर कि ये टच करे तो कल्पना जी अब ये बताइए इसके बाद क्या करना है इसके बाद ये पल्लू को आप राइट शोल्डर पे रखिए तो आपके बाद हमें से राइट शोल्डर राइट शोल्डर रखिए और नॉर्मली बिलो द नी या तो ऑन द नी अच्छा लगता है ये पल्लू तो या नीदर लिया जाए या फिर बिलो द नी बिलो जाए करेक्ट और उसके बाद शोल्डर पे पिन ऑन द शोल्डर इसमें बड़ा पिन जाएगा थोड़ा सा पिन पीछे लगाएंगे आगे नहीं लगाएंगे अगर आगे लगाएंगे तो दिखता भी है और पीछे से It's बराबर कंफर्टेबल रहता है शोल्डर पे थोड़ा बैक ऑफ द शोल्डर आई हैव टू पुट द पिन इसके बाद द पोर्शन पीछे का जो था पोर्शन जो अपन क्लिप किया था उसका लूप बनाइए लूप मींस इट इज टू शो दिस दिस इज द लूप ऑफ द स्ट्रेट पिन लीव इट दिस मच टर्न आगे जो अपन ने ये पोर्शन छोड़ा था उसको निकाल के यू हैव टू मेक अ स्टमक प्लीट बनाना है इसमें खाली स्ट्रेट टकिंग करना है इन स्ट्रेट उसके बाद यू नीड टू मेक दिस प्लीट इसको सब कॉल्ड स्टमक प्लीट है तो ये सीधा पल्लू स्टाइल में वाला प्लीट्स बनाई जाती है जी इसका प्लीट थोड़ा रिवर्स आता है और ये जो मैंने लुक बनाया है उसको मैं छोड़ देती हूँ और उसके बाद ये जो प्लीट्स है कल्पना जी ये बताइए सीधे पल्लू की साड़ी में और नॉर्मल साड़ी में प्लीट्स होती है क्या सेम होती है नहीं ये सेम नहीं होती है गुजराती में इस तरह राइट साइड होती है या और नॉर्मल साड़ी में हम इस तरह से पल्लू होते हैं गुजराती में आपको इस तरह से लेना है तो ये बात है जो बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है
इसके बाद आप पिन लगाना है और ये पिन में एक प्लीट छोड़ के लगाती हूँ। दुर्गा जी ये बताइए एक प्लीट छोड़ कर ये पिन क्यों लगानी है? क्योंकि ये प्लीट पिन अंदर से दिखती नहीं है, थोड़ा नीट लगता है। आप प्लीट्स भी चेक लेती हैं। कल्पना जी ये बताइए ये सब गुजराती स्टाइल की साड़ी में ऐसा करना चाहिए या किसी भी स्टाइल की साड़ी में हम ऐसे पिन लगा सकते हैं? और भाई ध्यान रखना चाहिए कि पिन दिखे नहीं, जितना हाइट कर सकते हैं उतना करना चाहिए आपको। इससे मैंने एक प्लीट छोड़ के ये पिन लगाया है। तो ये फॉर्मूला हर तरह की साड़ी में यूज किया जा सकता है। उसके बाद मैं ये क्लिप निकाल देती हूँ और इसको टक करती हूँ। बाद में थोड़ा सा ये पल्लू को फ्रंट में लेके दिस स्टाइल काफी पॉपुलर है नवरात्रों में और पूजा का मौका हो या कभी भी लोग इस तरह की साड़ी पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद ये हम टक करते हैं। अगर आप पिन टू पिन लगाना चाहो तो पिन भी लगा सकते हो। उसके बाद हम ये क्लिप निकाल के साड़ी को सेट करना चाहूंगी। ये जो अपनी जितनी प्लेट बनी है वो दिखनी चाहिए। 3, 4 और 5 नीचे तक अच्छे से सेट होनी चाहिए। ये थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर भी दिखना चाहिए गुजराती में। In Gujarati style, the border and the veil look very beautiful. लगता है। उसके बाद इसको आप इसको ऐसे भी टक करके लगा सकते हैं। कल्पना जी should be लगानी चाहिए टक करके या फिर I think लगाएंगे तो अच्छा रहता है, fitting रहती है। तो मैं आपको लगाना भी दिखाती हूँ कैसे मैं लगाती हूँ। इसको ऐसे लेके देखिए इसको आप इस तरह से पिन लगा सकते हैं। अगर किसकी हेल्प हो तो ये पिन आप दूसरे से लगती है, अपने आप से नहीं लगती है। नहीं लगती हो तो आप टक भी कर सकते हैं। See how it is? कभी कभी ये साड़ियाँ में जो प्लीट से वो बराबर बाहर आ जाती है तो उसको अगर आप एक ही जगह पे रहना चाहते हैं तो एक यहाँ पे एक पिन लगा सकते हैं अंदर जिससे वो टिकी रहे Frankly, initially मुझे पूरे प्रोसेस ना काफी डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन कल्पना जी ने इतनी आसानी से साड़ी पहना भी दी और एक्सप्लेन दिया। कल्पना जी ये बताइए इस तरह की साड़ी पहनने में गुजराती स्टाइल में लोग ज्यादा मिस्टेक्स टू पीपल ऑफ हैं। एक तो इनका पल्लू बराबर फ्रंट से दिखता नहीं है। जो मैंने आपको क्लिप करके पहले प्रोसीजर बताया, जो बराबर आप क्लिप कर दोगे टच द ग्राउंड सेट कर दोगे और फिर राइट साइड पे लोगे राइट शोल्डर पे तो ये आपका गुजराती फ्रंट पल्लू बराबर बनता है। तो ये क्लिपिंग इज द मेन आर्ट जिससे आपकी साड़ी बनी रहती है। आप देखें कितनी सफाई से आ रही है। अगर आप प्रॉपर क्लिपिंग करते हैं तो साड़ी काफी नीट लगती है और सीधा पल्लू में ये स्टाइल पे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा ये बताइए हैवी साड़ी का पल्लू बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ ये दिक्कत होती है कई बार साड़ी की जो प्लीट्स होती है वो नीचे जाती है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कभी कभी नीचे प्लीट जाती है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको हल करना। अभी ये जो प्लीट है मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे आपकी प्लीट ऐसे नीचे हो गई हो गई और पहनते हुए आपके पास टाइम नहीं है, जाना है, भागना है, तो आप इसको इस पहनते पहनते ऐसा लूज हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरी ये क्लिप्स यूज करती हूँ। आई होल्ड दिस क्लिप एंड आई एम लिफ्टिंग माई प्लीट अप जिससे मेरे को पूरा साड़ी निकालना नहीं पड़ता है और प्लीट वैसी की वैसी रहती है, वैसी की वैसी रहती है, वो ऊपर भी आ जाती है। और जस्ट बाद में आप जो पिन है आप लगा सकते हैं एक प्लीट छोड़ के
तो अगर आप हैवी साड़ी पहन रहे हैं तो पहले अपनी प्लीट्स को आप क्लिप कर लीजिए, उसके बाद आपको कितना टकिंग करना है साड़ी उसके मेजर करने के बाद फिर आप पिन लगाइए, उसके बाद फिर आप क्लिप निकाल सकते हैं। कभी हो जाता है नीचे तो ये आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। कितनी अच्छी तरह से समझाती है, थैंक यू।